वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो तो हायबुसा, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो इसमें बहुत सारे काम चल रहा है गाइज, और मेरे हाथ भी देख सकते हो एकदम काले हो रखे हैं। और मैं आज को दिखाता हूँ, आज का जो टॉपिक है वो हम अपना चेन सेट को चेंज करने वाले हैं। 25,000 का खर्चा आने वाला है गाइज, तो 25,000 का चेन स्पॉकेट हम आज लगाने वाले हैं। तो ये देख सकते हो पुराना वाला, और ये पुराना वाला चेन मैंने अभी खोल दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो पूरी गाड़ी अभी खुल चुकी है, फटाफट से हम इसका व्हील निकालेंगे, और व्हील निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है ना होता है। तो क्या है, अभी इसको खींचेंगे, खींचने के बाद ये ऐसे निकल जाएगा आपका। तो फटाफट से निकालते हैं गाइस, और शैफ्ट देख सकते हो बहुत बड़ा शैफ्ट है, मैंने शायद ही जीवन में पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा शैफ्ट। तो किसी बाइक ने आप अगर देखे हो तो कमेंट करके बताओ गाइस। तो मेरा लगता है कोई भी भाई देखा नहीं होगा। तो फटाफट से क्या है, मैं इसका व्हील अभी निकाल लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से निकलने वाला है, और देख सकते हो तो फोर व्हीलर का जैक मैंने लगा दिया है इसमें, तो जैसे कि बाइक को लिफ्ट कर सके, तो लिफ्ट मैंने कर दिया है। और सेफ्टी के लिए दो ईंटा भी मैं लगा चुका हूँ, जैसे कि बाइक अगर ये लिफ्ट अगर गिर भी जाता है तो वहाँ से बाइक बची रहेगी गाइस, क्योंकि एक बाइक अगर गिर जाएगी तो बहुत खर्चा होने वाला है। तो फटाफट से क्या है, मैं व्हील को निकालता हूँ। व्हील निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त वीडियो मैं लाता रहता हूँ गाइस। तो बने रहिए पूरी वीडियो पे। ये देख सकते हो गाइस, तो फाइनली आधा अधूरा मैंने निकाल दिया है भूसा का टायर। तो पूरा व्हील निकाल लेता हूँ पहले, तो एक हाथ से काम करते गाइस, बहुत दिक्कत होता है। तो देख सकते हो अभी इसको यहाँ साइड में रखते हैं ध्यान से, बहुत भारी है गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्हील हम लोग का निकल चुका है पूरा, और ये जेन 1 हायबुसा है गाइस, 300 kg वेट है। तो अभी देख सकते हो, तो ये जो जैक है, ये जैक 300 kg वेट लेके अभी खड़ा है। तो ज़्यादा मैंने फटाफट से हमें काम करना होगा, ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि गाइस अगर जैक थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो बाइक गिर सकती है। तो फटाफट से क्या है, मैं नया चेन सेट लेके आ जाता हूँ, और इसको भी खोल लेता हूँ, इसको बदलना होगा, चेन को बदलेंगे, और हो सके तो इसको भी थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा मार्किंग आया है तो इसको भी थोड़ा बदल लेंगे गाइस। और देख सकते हो, तो ओवरऑल लुक मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो कुछ इस तरीके का आता है हायबुसा गाइस। और पूरी गाड़ी गाइस खुली हुई है, आप लोगों को दिखाता हूँ A to Z। ये कूलेंट वाला बक्सा है, स्लिप सिलेंडर वाला बक्सा, फ्रंट पॉकेट भी बदलेंगे गाइस, तो देख सकते हो। तो फटाफट से मैं नया चेन सेट लेके आ जाता हूँ, और वो गिनने वाला गाइस 25,000 का चेन सेट है, तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। आने वाले इस पॉकेट को गाइस कुछ इस तरीके से हमें निकाल लेना है। तो ये देख सकते हो, ये पुराना निकल गया, अब इसको अच्छी तरह से वॉशिंग कराएंगे और नया वाला पॉकेट लगाएंगे गाइस। तो देख सकते हो, तो ये गाइस थोड़ा ज़्यादा टीट वाला है, तो देख सकते हो थोड़ा साइज में बड़ा भी होगा, तो बहुत मज़ा भी आने वाला है गाइस, क्योंकि टॉप एंड इसका बहुत बढ़ जाएगा, टॉर्क इसका बहुत बढ़ जाने वाला है, और व्हीली गाइस मैंने मक्खन की तरह व्हीली आएगा गाइस। गाइस यहाँ देख सकते हो, तो फाइनली हमारा पॉकेट अभी फिट हो चुका है, और अंदर ग्रीसिंग भी हो चुका है, और कपलिंग वगैरह सब कुछ मैंने बैठा दिया है, और ये कुछ इस तरीके से हमने बैठा दिया पॉकेट। तो देख सकते हो, तो अभी बाइक 299 क्रॉस करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट लगा है। तो देख सकते हो GT 499, तो बहुत महंगा आता है गाइस, 25,000 का पूरा पॉकेट आ गया मेरा, चेन देख सकते हो वहाँ पे है। तो अभी फाइनली इसको फिट करते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं, और हो सके तो एक अच्छा सा लॉन्ग खींचने वाले अभी, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको तैयार कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस, ये पुराना वाला पॉकेट, और नया पॉकेट अभी लग चुका है। तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके का है, बहुत बड़ा हो गया है, और अभी चेन को हम लोग फिट करेंगे, चेन वहाँ पे है, तो फटाफट से चेन को भी फिट करते हैं, और किस तरह से क्या होता है ना होता है, बने रहिए पूरी वीडियो पे। तो अभी दोस्तों फाइनली 2-3 घंटे का मेहनत के बाद बाइक यहाँ पे रेडी है गाइस, तो देख सकते हो। तो चेन हम लोगों का रेडी कर चुके हैं, पूरा नया चेन मैंने डाल दिया है, पॉकेट मैंने नया डाल दिया है, कलर वगैरह थोड़ा टचअप मार दिया हूँ गाइस, तो देख सकते हो। तो अभी क्या जबरदस्त लग रही है बाइक गाइस, तो फटाफट से गाइस मैं रेडी हो जाता हूँ, और बाइक को निकालते हैं, और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आता है ना आता है, व्हीली होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं। अभी गाइस खींचने के लिए जगह नहीं है, अपना मोहल्ला देख सकते हो, रास्ता भी बहुत ख़राब है, तो एकदम संडे राइड के लिए निकलेंगे एक ही बार में। तो अभी टेस्ट ड्राइव मैंने कर लिया है, तो बाइक बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है गाइस, और देख सकते हो यहाँ का रास्ता अगर ठीक हो जाए तो अच्छा होगा, वरना हम यहाँ पर गाड़ी उतना अच्छा नहीं चला सकते गाइस।
गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ और चेन हमारा बहुत ही बढ़िया बना है, तो गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम ए टू जेड बहुत ही मैंने अच्छा बना है। और अभी ECM वगैरह थोड़ा अपडेट करना होगा, तो फॉल्ट कोड आ रहा है, तो जो भी डीबगिंग है उसको डिलीट करना होगा और अपडेट करना होगा, तो देखते हैं। गाड़ी को मैं रखता हूँ, तो देख सकते हो गाइस, तो ये टीना मीना जो भी है सब कुछ इधर हिल रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है गाइस, इसको भी अच्छे से बनाना होगा। और इसी नोट पे दोस्तों करते हैं वीडियो क्लोज और मिलते हैं किसी ज़बरदस्त वीडियो लेके, तो चलिए गाइस चलते हैं।